नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुल के सक्षण आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दूं कि पूरे देश के अंदर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पिछले महीनों के मुकाबले में कम होती हुई नजर आई है, लेकिन सावधानियां बिल्कुल अभी भी बरतनी पड़ेंगी, क्योंकि पूरे देश और हिंदू का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली अब बहुत ही नजदीक आ गया है। आपको बता दूं कि दीपावली पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर का यदि सही प्रकार से प्रयोग नहीं किया गया तो यह रोग वापस से एक बार फिर ज्यादा स्तर पर फैलता हुआ नजर आएगा। आइए एक नजर डालते हैं और क्या क्या सावधानियां रखने की आवश्यकता है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम जरूर हुई, लेकिन कई राज्यों में इसकी रफ्तार एक बार फिर तेज होती हुई दिख रही है। ऐसे में जब देश में त्योहार का समय आने वाला है तो कोरोना के आंकड़ों में भी तेजी से उछाल देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50,356 नए केस सामने आए हैं, जबकि 577 लोगों की मौत भी हो गई। नए केस सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 84,62,080 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 78,19,886 लोग रिकवर होकर के घर भी जा चुके हैं, जबकि देश में इस समय 5,16,632 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर के 1,25,562 हो गई है। ICMR के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 11,13,209 कोरोना जाँचें की गई हैं। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दें कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन अभी भी लगातार आज 7वें दिन भी जारी है। आपको बता दूं कि करौली, भरतपुर समेत 5 जिलों के इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि करौली में कल से बसों के संचालन पर कुछ रूट पर चालू कर दिया गया है, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े। प्रदेश में चल रहा गुर्जर आरक्षण आंदोलन लगातार जारी है। छठे दिन भी प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर भरतपुर जिले के पीलूपुरा में कब्जा जमा रखा है। इससे इस मार्ग पर रेल यातायात बाधित तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ ट्रैक पर गुर्जर आंदोलनकारियों को देखते हुए रेलवे की ओर से शुक्रवार को भी इस मार्ग की कई ट्रेनों को रद्द और डाइवर्ट कर दिया गया। वहीं आंदोलन के कारण करौली और भरतपुर समेत आसपास के 5 जिलों में इंटरनेट की सेवाएं बंद हैं। इससे पूर्वी राजस्थान के लोगों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच करौली में गुरुवार से कुछ मार्गों पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया गया। आंदोलन के मसले के समाधान के लिए राज्य सरकार के प्रशासनिक प्रतिनिधि वरिष्ठ IAS नीरज के पवन 2 दिन तक वार्ताओं का दौर करके बुधवार शाम को जयपुर लौट गए थे। उसके बाद गुरुवार और शुक्रवार को आंदोलनकारियों और सरकार के बीच वार्ता का कोई दौर नहीं चला। आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर के पटरी पर तंबू तान करके बैठे हुए हैं। उनकी जिद है कि जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वे पटरी से नहीं हटेंगे। आंदोलनकारियों के साथ गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के पुत्र विजय सिंह बैसला बैठे हुए हैं। आंदोलनकारी यहाँ नाच गा करके अपना टाइम भी पास करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं IPL की ओर। आपको बता दूं कि IPL के अंदर कल बेहद ही रोमांचक और कम स्कोर के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की IPL का सफर इस सीजन का खत्म भी हो गया है। साथ ही साथ मैच खत्म होने के बाद में विराट कोहली, जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान हैं, उन्होंने इस हार का पूरा श्रेय, आपको बता दूं कि इस हार का पूरा श्रेय बैट्समैन को दिया है। उन्होंने कहा कि यदि बल्लेबाज शुरू से ही गेंदबाजों पर दबाव बना करके चलते तो हमें ये नतीजा नहीं देखना पड़ता। आइए एक नजर डालते हैं पॉइंट टेबल और आगे क्या IPL में हो सकता है उसकी ओर। IPL के अंदर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद से मिली 6 विकेट की हार के लिए अपने बल्लेबाजों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वे गेंदबाजों पर दबाव बनाने और पर्याप्त स्कोर खड़ा करने में नाकाम रहे। RCB ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 7 विकेट पर 131 रन बनाए। उसकी तरफ से AB डिविलियर्स ने 56 रन बनाए। सनराइजर्स ने केन विलियमसन की नाबाद 50 रन की पारी से 19.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर दिया। कोहली ने मैच के बाद कहा,
अगर आप पहली पारी की बात करो तो मुझे नहीं लगता कि हमने पर्याप्त स्कोर बनाया। हम थोड़े से अंतर से हार गए और अगर हमने केन विलियमसन को आउट कर दिया होता तो फिर परिणाम अलग होता। कुल मिलाकर के हमने उनके गेंदबाज मनमाफिक गेंदबाजी करने दी और उन्हें दबाव में नहीं रखा। आइए एक नज़र डालते हैं बूंदी जिले की ओर। आपको बता दूं कि बूंदी जिले के हिंडौली में 11,000 केवी लाइन का तार टूटने से एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई है। बूंदी जिले के हिंडौली थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ा नया गांव के पास खेत पर परौली एकत्रित करते समय अचानक 11,000 केवी लाइन का तार टूटने से एक किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जांच अधिकारी कन्हैया लाल ने बताया कि बड़ा नया गांव निवासी लालचंद अपने ही खेत पर फैल रही परौली को एकत्रित कर रहा था। उसी दरमियान ऊपर से निकल रही 11,000 केवी विद्युत लाइन का तार टूट गया, जिससे किसान लालचंद की करंट की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं खेत में फैल रही परौली पर भी जलकर खाक हो गई है। सूचना मिलने पर हिंडौली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और विद्युत विभाग के कर्मचारियों को सूचना देकर लाइन को बंद करवाया। फिलहाल मृतक लालचंद के शव को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। पूरा मामला ये था किस काश्तकार था, ये लालचंद जी सुनो प्रभुलाल जाति गुजर निवासी बड़ा नया गांव के, जो घर से ये सुबह 7-8 बजे करीब खेत पे गए थे, तो वहाँ पर बिजली के तार टूट कर गिरने से इनकी मौत हो गई। मौके आइए एक नज़र डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं कि दौसा जिले के सिकंदरा में पुलिस थाने पर गुर्जर समाज के पंच पटेलों की मीटिंग आयोजित की गई। सिकंदरा के अंदर गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर के सिकंदरा पुलिस थाने पर थाना प्रभारी राजपाल सिंह यादव, डिप्टी SP संतराम मीना ने पत्थर मंडी सब्जी मंडी सहित सभी व्यापारियों व गुर्जर समाज के पंच पटेलों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान व्यापारियों ने कहा कि आंदोलन से सर्व समाज को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। वहीं गुर्जर समाज के पंच पटेलों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो 3 दिन बाद सिकंदरा में जाम लगा करके आंदोलन किया जाएगा। वहीं मीटिंग के दौरान पूर्व सरपंच अमर सिंह कसाना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए नशीले पदार्थों पर रोक लगाने की भी मांग की है। व्यापारी वर्ग और गुर्जर समाज दोनों एकजुटे हुए, चर्चाएं चली। आज तक हमने व्यापारी वर्ग का कोई नुकसान नहीं होने दिया। शरारती तत्व होते अनेक समाज के, वो कुछ भी कर देते हैं। बाकी गुर्जर समाज ने जितना भी सलाह उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। कोई हमने 9 तारीख को हम जगह चयन करेंगे, कोई ये निश्चित नहीं कि हम सिकंदरा चौराहा चयन करें या कोई और जगह चयन करें। इसका निर्णय गुर्जर समाज देगा। प्रशासन ने बुलाया हमको, सभी व्यापारी मंडल को, उनने कहा कि अपने चौराहे से कुछ 1-2 किलोमीटर के आगे पीछे में ये आरक्षण का मुद्दा जो गुर्जर समाज कर रहा है उसको रख दो। अब ये व्यापारी मंडल की बात ये है कि भाई ये तो समाज का काम है, वो कहाँ चुनेंगे कहाँ नहीं चुनेंगे, 9 तारीख पर बाद में चुनेंगे, तो इसमें व्यापारी मंडल का कोई। व्यापारियों ने क्या समस्या बताई है? व्यापारियों ने समस्या तो यही बताई है कि हमारे यहाँ थोड़ा नुकसान नहीं हो, दीपावली का पर्व के हिसाब से कुछ आगे पीछे हो जाए और देख मांग तो करो। आइए एक नजर डालते हैं अजमेर की ओर। आपको बता दूं कि अजमेर के अंदर आज एक बेहद ही दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। इस दर्दनाक हादसे में बस ने ट्रेलर को टक्कर मारी है और इस टक्कर के अंदर 20 लोग घायल होते हुए भी नजर आए हैं। आइए एक नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। किशनगढ़ में बांदरसिंदरी थाना क्षेत्र के ग्राम पाटन के पास आज सुबह 5 बजे जोधपुर से जयपुर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थियों की बस पाटन के पास एक ट्रॉली से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बस व ट्रॉली की भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि बस चालक की मौके पर ही मौत भी हो गई, साथ ही साथ 20 लोग घायल भी हो गए। पुलिस व जीवी के टोल कर्मचारियों ने बड़ी मुश्किल से घायलों को बस से बाहर निकाला व घायलों को किशनगढ़ के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से 5 लोगों को गंभीर हालत होने के कारण अजमेर के राजकीय अस्पताल के रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस थाना बांदरसिंदरी मौके पर पहुंची। अजमेर SP कुंवर राष्ट्रदीप, COCT पार्थ शर्मा, ग्रामीण CO भूपेंद्र शर्मा भी मौके पर पहुंचे, साथ ही साथ अस्पताल में घायलों की हालत का जायजा लिया गया। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को क्रेन के माध्यम से
रोड से साइड में भी करवा दिया गया। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम जरूर हुई है, लेकिन कई राज्यों में इसकी रफ्तार एक बार फिर तेज होती हुई दिख रही है। ऐसे में जब देश में त्योहार का समय आने वाला है तो कोरोना के आंकड़ों में तेजी से उछाल भी देखने को मिल सकता है। राजधानी जयपुर में एयर बबल के तहत इंटरनेशनल फ्लाइट का संचालन। स्पाइसजेट की फ्लाइट SG-144 पहुंची जयपुर। दुबई से जयपुर आई है यह फ्लाइट। यात्रियों को मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद भेजा जा रहा क्वारंटाइन सेंटर। अजमेर के किशनगढ़ के बांदर सिंदरी थाना क्षेत्र में आज सुबह ट्रेलर और बस में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में बस चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने जा रहे बस में सवार 2 दर्जन से अधिक छात्र घायल भी हो गए। घायलों का राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं 5 गंभीर घायल छात्रों को अजमेर रेफर किया गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि बस के परखच्चे भी उड़ गए। प्रदेश में चल रहे गुर्जर आंदोलन आरक्षण लगातार जारी है। छठे दिन भी प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर भरतपुर जिले के पीलूपुला में कब्जा जमा रखा है। इससे इस मार्ग पर रेल यातायात बाधित भी हुआ है, लेकिन ट्रेन मार्ग पर गुर्जर आंदोलनकारियों को देखते हुए रेलवे की ओर से शुक्रवार को भी इस मार्ग की कई ट्रेनों को रद्द और डाइवर्ट किया गया। सिकंदरा के अंदर गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर के पुलिस थाने पर व्यापारियों व गुर्जर समाज के पंच पटेलों की मीटिंग रखी गई। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के 3 दिन बाद आंदोलन करने का निर्णय लिया गया था। 9 तारीख की जाएगी सिकंदरा में आंदोलन की जगह।